तो चलो प्यारे बच्चे, इस वाले सवाल को देखो। बेसिकली इसमें क्या कहा जा रहा है कि एक बॉडी है स्लाइड डाउन अलोंग द इंक्लाइन प्लेन, जिसका इंक्लिनेशन थीटा दिया हुआ है, ठीक है ना। एक बॉडी यहाँ से स्लाइड करती है, ये एंगल ऑलरेडी थीटा दिया हुआ है। अब ये कहता है कि द कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द बॉडी एंड प्लेन वो वेरिएबल है, मतलब 0.μx ये है। मतलब यहाँ पर जो म्यू है वो एक वेरिएबल क्वांटिटी है, 0.5x, मतलब ये एक्स बाई टू, ठीक है ना। जैसे जैसे एक्स की वैल्यू इंक्रीज होगी वैसे वैसे म्यू की वैल्यू इंक्रीज होगी, वैसे वैसे फ्रिक्शन की वैल्यू इंक्रीज होगी, ठीक है ना। तो ये वाली चीज़, तो बॉडी विल हैव मैक्सिमम वेलोसिटी व्हेन ट्रेवल डिस्टेंस एक्स। चलो मान लो ये बॉडी स्टार्ट टी इज इक्वल टू जीरो, यहाँ से बॉडी चली थी, ठीक है। मैक्सिमम वेलोसिटी अगर मान लो ये ब्लॉक यहाँ आ जाता है, दिस ब्लॉक इज मूव हियर, तो अगर ये ब्लॉक यहाँ आ जाता है ये इस सिचुएशन में, तो हम लोगों को ये निकालना है कि जब ये ब्लॉक यहाँ आ जाएगा तो इसकी मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी होगी, ठीक है ना। तो चलो यहाँ पर आके इसकी मैक्सिमम वेलोसिटी है, यहाँ u जीरो से चला था, ठीक है ना। तो ये मैक्सिमम वेलोसिटी का क्या कंडीशन है भाई, देखो u अगर जीरो से चला था यहाँ पर तुम देखोगे, तो किसी भी इंस्टेंट अगर यहाँ पे ब्लॉक को देखोगे तो इस ब्लॉक पे जो लगने वाले फोर्सेज हैं, ठीक है ना, इस ब्लॉक पे अगर तुम देखोगे तो जो फोर्स इस पे लग रहा है मेरे भाई, वो कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, ठीक है ना। तो ब्लॉक पे अगर नंबर ऑफ फोर्सेज देखोगे यहाँ पे, तो इसके सरफेस पे यहाँ फ्रिक्शन ऊपर लग रहा है और एम जी साइन थीटा इधर लग रहा है, ठीक है ना, और नॉर्मल ऊपर लग रहा है इधर, और एम जी कॉस थीटा वर्टिकली इधर लग रहा है। तो एम जी कॉस थीटा जो इस प्लेन के परपेंडिकुलर लग रहा है, क्योंकि एम जी ऐसे आ रही थी। तो अगर जैसे तो वेलोसिटी मैक्सिमम होगी, वेलोसिटी बढ़ रही है, तो वेलोसिटी मैक्सिमम होगी जब यहाँ पे फ्रिक्शन बराबर हो जाएगा एम जी साइन थीटा के, ठीक है। क्योंकि देखो अगर तुम यहाँ से देखोगे तो नीचे जैसे जैसे ब्लॉक आ रहा है वैसे उसकी स्पीड बढ़ रही है, ठीक है ना, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही है, काइनेटिक एनर्जी में दिख रही है, तो ऑब्वियसली नीचे आने पे तो स्पीड तो बढ़ेगा, लेकिन वह स्पीड कांस्टेंट और मैक्सिमम कब होगी, जब उसको बोलते हैं टर्मिनल स्पीड, टर्मिनल स्पीड इसको बोलते हैं फिजिक्स में। कोई भी बॉडी इन जनरल, ठीक है, किसी विस्कस फोर्स में मूव करती है, जैसे एक बॉल है, ठीक है, अगर मैं यू इक्वल टू जीरो से एयर में ड्रॉप कर देता हूँ, तो एक ऐसा समय आ जाएगा जबकि इस बॉल की स्पीड मैक्सिमम हो जाएगी, तो इस पे लगने वाले नेट फोर्सेज बराबर बैलेंस हो जाएंगे, ठीक है ना। तो नेट फोर्स जीरो हो जाएगा, तो यहाँ पर तुम देखोगे स्पीड मैक्सिमम तभी होगी जब फ्रिक्शन एम जी साइन थीटा को बैलेंस कर लेगा, ठीक है ना। अब बस इसी को सॉल्व कर लेना है, फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ से म्यू एन और यहाँ से एम जी साइन थीटा, तो म्यू की वैल्यू यहाँ से डाल दो, म्यू की वैल्यू क्या होगी भाई, म्यू की वैल्यू यहाँ पे डाल दोगे तो 0.5x, और नॉर्मल की वैल्यू यहाँ से एम जी कॉस थीटा आ जाएगा, दैट इज एम जी यहाँ से साइन थीटा के बराबर हो जाएगा। यहाँ से एम जी ने एम जी को कैंसिल कर दिया, तो x बाई टू यहाँ से कॉस थीटा और ये साइन थीटा यहाँ से, मतलब ये आ जाएगा x बाई टू यहाँ से देखोगे तो ये टेन थीटा के इक्वल आ जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी उस वक्त, तो tan थीटा मल्टीप्लाइड बाई टू, ठीक है ना। तो tan थीटा और टू से अगर मल्टीप्लाई करोगे, इतना डिस्टेंस चलने के बाद जो स्पीड होगी वो मैक्सिमम होगी, मतलब ए ऑप्शन अपना सही बन जाता है। थैंक यू।